मथुरा में लगातार हो रही लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मथुरा में पुलिस के द्वारा लगातार गश्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान के दौरान शक होने पर लुटेरों की तलाशी ली गई। इस तलाशी में 8 मोबाइल, 1 पिस्टल, मास्टर चाबी समेत कई एटीएम बरामद किए गए। प्रभारी कोकिलावन चौकी के जो इंचार्ज हैं और थानाध्यक्ष कोसी के नेतृत्व में एक सफलता वहाँ थाना कोसी पर हासिल हुई है, जिसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके कब्जे से जो कोकिलावन में काफ़ी समय से वहाँ पर कुछ घटनाएं हो रही थी, जो घटनाएं मोबाइल चोरी की थी, किसी का शीशा तोड़कर कुछ पैसा निकालने की थी, इस संबंध में दो व्यक्ति प्रकाश में आए और मौके से ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से 8 मोबाइल सेट और जो अन्य एटीएम कार्ड वगैरह तथा पिस्टल जो आपके सामने है, ये सारी चीज़ इनसे बरामदगी हुई है और इस प्रकार से इनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकारा। वहीं पूछताछ में कबूल करते हुए आरोपी ने ये भी बताया कि पूर्व दिल्ली के पुलिस इंस्पेक्टर का मोबाइल भी चोरी कर चुके हैं। पूर्व में ये चोरी में भी वांछित रहे। इस प्रकार की चोरियाँ हमारे जो थाने पर लिखी गई थी, उस चोरियों का भी इसी के साथ खुलासा हुआ है और उम्मीद है कि जो घटनाएं इससे ये क्षेत्र में हो रही थी उस पर प्रभावी अंकुश लगे। और इसमें एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर का भी मोबाइल लूटा हुआ बरामद हुआ है। लूटा क्या, जो वहाँ से गाड़ी के शीशे तोड़कर निकाला गया था वो भी बरामद हुआ है। अभी और मोबाइल भी ट्रेस किए जा रहे हैं, जो भी मोबाइल हैं इनको ट्रेस करके इन पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की है। वही दोनों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। मथुरा से गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।